मेरे ख्याल से है नहीं। माननीय सदस्यगण, मैं सदन के जानकारी देना चाहता हूं कि हरियाणा पत्रकार संघ करनाल के सदस्य आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित है। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। श्री चिरंजीव जी आ जाओ। अभय सिंह जी, तीन तीन मिनट का टाइम है, तीन मिनट में अपनी बात देख रहे। डिप्टी स्पीकर महोदय, लगातार सरकार की तरफ से एक बात कही गई है कि हमने बहुत रोजगार दिया है और बहुत सारे बच्चों के लिए अलग अलग रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, जबकि हालत आपके सरकार की है। मैं अब पिछले दिन हरियाणा प्रदेश के क्षेत्र विधानसभा क्षेत्रों में होकर गया हूं परिवर्तन यात्रा के दौरान, और मैं गांव में जब लोगों से मिला तो मुझे बड़ी इस तरह की जानकारियां मिली कि सब सुनकर के हैरान रह जाएंगे। गांव के गांव जो है आज खाली हो गए, केवल इस बात के लिए कि बच्चों को यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई उनके लिए नौकरी नहीं है। आज पढ़ा लिखा जो युवक है उसको इस सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा, इसलिए मजबूर होकर के वो अपने माँ बाप को जमीन बेचने पे मजबूर करता है और विदेश जाता है। विदेश में जाकर के नौकरी की तलाश करता है, कोई कारोबार की तलाश करता है। उसके साथ जो एक बड़ी अनहोनी होती है वो उससे भी ज्यादा दुखदायी है, और सरकार ने उसके ऊपर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो डोंकी से जाते हैं। जो डोंकी से जाने वाले हैं, सरकार ने उनके बारे में अब तक कोई ऐसा कदम उठाया कि जो बच्चे बाहर विदेश जाते हैं, जो डोंकी से जाते हैं, जो एजेंट उनको भेजते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी सरकार ने? अगर कोई कार्रवाई करी है तो सदन को बताना चाहिए उसके बारे में। अनेक गांव ऐसे थे, जब मैं ये गांव में जा रहा था तो पर्टिकुलर आपके करनाल डिस्ट्रिक्ट और खास करके आपके रोड बिरादरी के गांव के गांव खाली है, लबाणा सिख के गांव के गांव खाली है। आज तो राजपूतों के भी बच्चे जो है गांव के गांव खाली करके जा रहे हैं, जमीनें बेचते हैं, बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद कोई रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो रोजाना नई नई चीजें हैं, हर रोज हरियाणा प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं है विदेश में गए हुए बच्चों की डेड बॉडियां आ रही है। और उसके साथ साथ एक जो और बड़ी बात है, जो बच्चा वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता है, डिपोर्ट होने के बाद तो उसका पूरा परिवार जो है एक तरह से सड़क पे आ जाता है, क्योंकि जमीन बेच करके जाता है। अभी कल की घटना है, एक लड़का बाहर गया हुआ था, ऐसी डोंकी में गया था जिसकी चार बहनें थी, और वो लड़का वहां जब डोंकी से क्रॉस कर रहा था तो उस लड़के की डेथ हो गई। किस तरह से घर बर्बाद हो रहे हैं, सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान दिया? मैं मुख्यमंत्री तो है नहीं यहाँ पे, पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई करोगे? क्या उन बच्चों में, हरियाणा के जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं, सरकार कोई ऐसा इंश्योरेंस देगी कि हम उन बच्चों को यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराएंगे? कराएंगे तो कैसे कराएंगे, किस तरीके से कराएंगे? केवल ये कहना कि हम 75% को प्राइवेट में लगा दें, एक मिनट, ये अहम बात है, टाइम हो गया कि प्राइवेट में लगा दें, स्वयं इस बात के तो जानते नहीं, टाइम हो गया जी। कुछ और जानते हो, नहीं जानते हो? नहीं, तो टाइम पूरा तीन तीन मिनट का बात बताई जा रही है। मैं कोई मेरी पर्सनल नहीं कर रहा, पर्सनल तो कोई भी नहीं कर रहा, सारे अपनी अपनी बात कर रहे हैं बेसिंग, लेकिन समय की है, तीन तीन मिनट दिया है सबको, यहाँ सब अपने हल्के की बात करते हैं। मैं प्रदेश के युवाओं की बात